इंदौर से खबर है। दरअसल इंदौर में युवती का अश्लील कपड़ों में रील बनाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि इंदौर के 56 दुकान मेघदो चौपाटी पर युवती ने एक वीडियो बनाया। बेहद कम कपड़ों में बाजार में घूमती दिख रही है युवती। युवती को अश्लील कपड़ों में देखकर जो वहां पर लोग थे, जो राहगीर थे, वो शर्मिंदा हुए। पहले ये वीडियो बनाया, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया, इसे वायरल किया गया। बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद लगातार आलोचनाएं भी हो रही हैं, इसकी निंदा भी हो रही है। इसे बेहद गलत बताया जा रहा है क्योंकि अश्लील तरीके से इस वीडियो को बनाया गया था। रील के लिए कुछ व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बेहद कम कपड़ों में बाजार में एक युवती जो कि घूमती हुई नजर आई, इसका वीडियो बनवाया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। ये वो वीडियो है, आप देख सकते हैं, बेहद कम कपड़ों में इंदौर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में जहां काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और राहगीर यहां पर मौजूद हैं। लोग जो मौजूद हैं इस लड़की को देखकर बेहद शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं और आए दिन इस तरह की वीडियो बनाई करती थी और सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रहे थे। ये वीडियो बनाकर व्यूज बढ़ाने की कोशिश थी और इंदौर की सड़कों पर देखिए किस तरह से अंग प्रदर्शन किया जा रहा है इस युवती के द्वारा। छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन की कोशिश और वहां पर मौजूद लोग जो कि बेहद शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। जैसे ये वीडियो सामने आने के बाद काफी आलोचना हुई, काफी निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और वहीं अश्लील रील बनाने पर महिला संगठन बजरंग दल ने भी विरोध जताया, जिसके बाद तुकोगंज थाने में कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस तरह की हरकत इंदौर की संस्कृति पर धब्बा है, ये बात कही है हिंदू संगठनों ने। शहर की छवि को खराब किया जा रहा है और दोषी युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की बात, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, ये मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग है। इंदौर में ऐसी गतिविधियों के लिए जगह नहीं है। ये तमाम बातें कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी। पहले ये वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इसकी आलोचना की और युवती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। मेरे पास भी अभी शिकायत आई है, इंदौर के कुछ महिला संगठन कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने वाले हैं और मुझे लगता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे भारत के संविधान में लोगों को रहने की, खाने की, पीने की छूट है, पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके, मैं समझता हूँ कि ये दुरुपयोग है फंडामेंटल राइट्स का। और इसलिए इसके ऊपर प्रशासन को भी जागरूकता से काम करना चाहिए और समाज में भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। संगठनों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि कोई एक युवती है जो मेघदूत चौपाटी और 56 दुकान के आसपास अश्लीलता फैला रही है, संज्ञान में लिया गया है और जल्दी उसकी पतरसी की जाएगी। कुछ और सोशल मीडिया में भी उसके वीडियो चल रहे हैं जिसके द्वारा बताया गया है कि वो जो युवती है वो दुबई की रहने वाली है और यही कोशिश रहेगी कि इंदौर शहर की संस्कृति के बारे में लोग जाने और ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई हो और जल्दी पूछताछ की जाएगी। और अश्लील रील पर
जिस तरह से विरोध हुआ उस विरोध के बाद युवती ने माफी मांगी है और कहा कि किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी मांगती हूं। महिला संगठन बजरंग दल ने विरोध जताया था जिसके बाद अब इस युवती ने माफी मांगी। एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो के माध्यम से माफी मांगी है युवती ने। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी।